प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का हमारा वाकया है इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मालूम हो जाएगा कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत का क्या आलम था। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफर करता हुआ मदीना आया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर, आप मुसलमानों के सरदार हैं और मालदार भी हैं। और कहने लगा, हुजूर, मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, मेरी मदद करें। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु उस शख्स को अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाजा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर के अंदर एक चारपाई भी नहीं था। खजूर के दरख्त की एक चटाई बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स को चटाई पर बिठाया और उस आदमी से कहने लगे, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताऊं। वो आदमी बोला, जी बताइए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना नहीं खाया, मैं कुछ खजूर खाकर गुजारा कर रहा हूँ। वो आदमी कहने लगा, हुजूर, अब मैं क्या करूं, मैं बहुत दूर से बड़ी उम्मीद लगाकर आया हूं। उसके बाद आपने उस आदमी से कहा, तुम उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले जाओ। उस आदमी ने कहा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस आदमी से कहा, तुम्हारी सोच वहां खत्म होती है जहां से उस्मान गनी की सखावत शुरू होती है। आपने कहा, तुम जाओ उनके पास, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। वो आदमी बोला, क्या मैं वहाँ आपका नाम लूंगा कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? आपने फरमाया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना बताना कि मैं कर्जदार हूँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो आदमी बोला कि वो सबूत मांगेंगे। आपने कहा, उस्मान मदद करते वक्त दलील या सबूत नहीं मांगा करते, उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए पूछताछ नहीं करते और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। फिर वो आदमी वहां से पूछते पूछते हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की अंदर से बोलने की आवाज आ रही थी। वो अपने बच्चों को डांट रहे थे कि तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम किया करो, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं, दूध मीठा शहद भी मीठा, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। ये सब बातें वो आदमी दरवाजे पर खड़े सुन रहा था और सोचने लगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु तो बड़ी बातें बता रहे थे, लेकिन ये तो अपने बच्चों को दूध में शहद मिलाने पर डांट रहे हैं, ये कैसे मेरी मदद करेंगे और मुझे तो कई हजार दिनार चाहिए, क्या ये देंगे? वो आदमी कहता है, अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। वो बाहर आए और मैंने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मोमिन हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, माफ करना, बच्चों को समझा रहा था इसीलिए आने में देर हो गई। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस आदमी को घर के अंदर बिठाया और उस आदमी के सामने जो सबसे पहली चीज पेश की गई वो दूध में शहद डाल कर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया गया। वो आदमी कहता है कि मैं सोचने लगा कि ये क्या माजरा है, अभी तो घर वालों को डांट रहे थे कि एक चीज इस्तेमाल किया करो और मेरे सामने तो 3-3 चीजों को पेश कर दिया, लेकिन अभी भी उस आदमी के दिल में ये शक था कि मेरी जरूरत तो बहुत ज्यादा है, पता नहीं ये मेरी मदद करेंगे या नहीं। वो आदमी कहता है कि मेहमान नवाजी के बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि बताओ कैसे आना हुआ। वो आदमी बोला कि मैं मुसलमान हूँ और मुल्के शाम का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात की वजह से कर्जदार हो गया हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। वो आदमी कहता है कि मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज दी तो फौरन एक गुलाम एक ऊंट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। वो आदमी कहता है कि मुझे 3,000 असरफियों की जरूरत थी। ये बात
अभी तक मैंने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं बताया था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, इस ऊंट पर तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान और साथ में 6,000 असरफियां रखवा दी है और तुम से पैदल चलकर आए थे, अब इधर से ऊंट पर जाना। वो आदमी कहने लगा कि मैंने फौरन कहा, हुजूर ये ऊंट वापस करने कौन आएगा? हजरत उस्मान ने गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, वापस करने के लिए नहीं दिया, मैंने ये तुम्हें तोहफा दिया है, तुम ले जाओ। वो आदमी कहता है कि मैं कहां से चला था, ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा अता कर दिया। वो आदमी फिर कहता है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी जरूरत से बहुत ज्यादा दे दिया है, माफी चाहूंगा। मैं तो सोच रहा था कि दूध और शहद पर आप अपने घर वालों को डांट रहे हैं, तो आप मेरी मदद क्या करेंगे? उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ने जो दौलत उस्मान को दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि उस्मान की औलादे उस पर ऐसो इसरत की जिंदगी गुजारे, मेरे अल्लाह ने मुझे दौलत दिया है ताकि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। वो आदमी कहता है कि मैं दरवाजे तक गया तो मैंने कहा, शुक्रिया आपका। उस आदमी ने अभी तक बताया नहीं था कि मुझे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भेजा है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि शुक्रिया हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का करना जिसने तुम्हें ये रास्ता दिखाया। वो शख्स कहता है कि हुजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं कि मुझे किसने यहाँ भेजा है। तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुरा कर कहने लगे, छोड़ो आपका काम हो गया, इन सब बातों में ना पड़ो। दोस्तों तो देखा आप लोगों ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत बेमिसाल थी। दोस्तों हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह और उसके रसूल की राह में अपनी दौलत को कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।